दोस्तों पूरा वीडियो देखो, अगर मुझसे पॉइंट नहीं आया ना तो मेरा चैनल का नाम बदल देना। हेलो दोस्तों, बहुत सारा चिकन और वेज का रेसिपी बना लिया। आज मैं बनाने वाला हूँ पनीर, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। बहुत टेस्टी पनीर बनाने वाला हूँ। मेरे आँख से तो आंसू आने लग गए, स्पाइसी इतना है, मजा आता है मुझे, और देख रहे पसीना भी आने लग गया। दोस्तों आज भी बनाने वाला हूँ ग्रिल पनीर, फुल स्पाइसी वाला, चटपटा स्पाइसी वाला। ये मैंने लिया है हेरिटेज का पनीर, आप कोई भी पनीर से बना सकते हैं। ये पनीर सॉफ्ट ही रहता है, अच्छा रहता है, मिल्की मिस्ट भी यूज कर सकते हैं और अच्छा होता है इससे भी। इसके बाद मैं कैप्सिकम काटूँगा दोनों कलर का। दोस्तों इसको बेल पेपर भी बोलते हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चला, कैप्सिकम भी बोलते हैं, बेल पेपर भी बोलते हैं। पनीर के साथ साथ अगर कैप्सिकम भी दो तीन डाल देंगे ना तो पनीर का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ में दोनों खाना है एक साथ में। मैंने स्क्वायर में काटा है, आप कोई भी तरह का काट सकते हैं, लेकिन ग्रिल करने के लिए स्क्वायर भी काटो तो और अच्छा होता है, पूरा बराबर ग्रिल होगा सब तरफ। इसी तरह मैंने ऑनियन को भी काट लिया, और एक मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑनियन का फ्लावर बनाने के लिए। मेरे पास अच्छा नाइफ तो है नहीं, देखते फिर भी इससे ट्राई करके क्या होता है, कुछ कोशिश कर लेते हैं। कटिंग मेरा सारा हो चुका है, अब मैं मसाला बनाऊंगा। सबसे पहले मैं गार्लिक डाल रहा हूँ, चॉप किया हुआ है, फिर एरोमेटिक पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स। दोस्तों पूरा रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इसमें डालूंगा ब्लैक पेपर पाउडर, पेरी पेरी पाउडर। अगर आपको स्पाइसी चटपटा बनाना है तो ये सब मसाला डाल सकते हैं, नहीं तो वरना दूसरा मसाला भी डाल सकते हैं। मैं मसाला पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब डालूंगा मैं जीरा पाउडर, फिर नमक, धनिया पत्ता, चिल्ली पाउडर। फुल स्पाइसी बनाने वाला हूँ इसको मैं आज। अब मैं इसमें डालूंगा नींबू जूस, क्योंकि मैंने बोला है चटपटा बनाऊंगा इसको, चटपटा स्पाइसी, नींबू भी जरूरत पड़ेगा ही। अब मैं इसमें डालूंगा रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल है, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हो, सरसों का ऑयल भी है तो सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं। मसाला बन के रेडी है, अब मिक्स करके मैं थोड़ी देर इसको छोड़ दूंगा ऐसे ही, जैसे कि इसके अंदर तक मसाला चला जाए, पनीर के अंदर तक। नरम हाथ से करना है धीरे धीरे, मैं वीडियो की स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, नहीं तो पनीर टूट जाएगा आपका। जब तक पनीर मैरिनेट होते रहेगा तब तक मैं सलाद काटूंगा। रेड केबेज ले लिया मैंने, फिर केबेज, फिर कैरेट, और इसमें जुगनी डालूंगा, कलर भी अच्छा लगेगा देखने के लिए, गार्निश भी हो जाएगा मेरा और सलाद भी मिल जाएगा साथ में। पनीर अच्छा से मैरिनेट हो गया, अब मैं इसमें ग्रिल करूँगा। आज मैं पैन में नहीं, आज मैं ग्रिलर में बनाने वाला हूँ, आप पैन में भी बना सकते हैं कोई भी। तरफ पक चुका है, अब दूसरी तरफ पकाना है, पलटने का टाइम हो ही गया। ऐसे दोस्तों पनीर पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 3-4 से 5 मिनट तक अंदर में पक ही जाता है। देखिए दोस्तों अच्छे से ग्रिल होकर रेडी हो ही चुका है। लो आपके लिए रेडी है गर्मा गर्म ग्रिल पनीर, कलर मस्त है ना, टेस्ट भी इतना ही अच्छा है। चलो फिर सच के रेडी है, अब मैं खा के